नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जय स्तंभ चौराहे पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर एक बार फिर विवादों का केंद्र बना हुआ है। जहां एक और प्रशासन मंदिर भूमि को शासकीय बता रहा है, वहां पर बनी दुकानों को अवैध, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर में रहने वाले महंतों और दुकानदार उस पर अपनी निजी संपत्ति होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल आज शाम लक्ष्मी नारायण मंदिर पर चल रहे निर्माण कार्य पर प्रशासनिक अधिकारियों को मिली शिकायत के आधार पर एक बार फिर JCP चलाने का मौका मिल गया है, जिस पर बिना अनुमति के कुछ दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए इसको तोड़ा जा रहा है। मैडम, ये काफी दिनों से ये विवाद में भी है, पहले भी इसको तोड़वाया गया लेकिन फिर दुकानदारों ने कब्जा कर लिया। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और समय समय पर जो भी हमको शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जितना हम लोग ने मॉनिटरिंग किए हैं, हम लोगों ने उसके हिसाब से काम किया है। आज फिर से शिकायत मिली थी और हम लोगों ने स्वयं देखा कि इनके द्वारा बिना अनुमति के, बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के पुनः से दुकानें बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इसे पुनः तोड़ा जा रहा है। फास्ट समाचार के लिए गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।